व्यूवर्स, घर एक ऐसी चीज़ है जिसको परचेज करने के लिए इंसान अपना टाइम और पैसा दोनों ही इन्वेस्ट करता है, लेकिन आज इन दोनों में से एक चीज़ मैंने आपकी बचा ली और वो है आपका कीमती टाइम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं हूँ सामा खुर्शीद और आप देख रहे हैं प्रॉपर्टी लोकेटर यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको ले आया हूँ DHA लाहौर में, एक कनाल के नेक्स्ट लेवल फुली लग्जीरियस विद कम्प्लीट बेसमेंट हाउस का हाउस टूर करवाने, जो कि आ चुका है मेरे पास मार्केट में सेल के लिए। व्यूवर्स, बहुत ही कमाल और इतना ज़बरदस्त किस्म का ये घर बनाया गया है। मैं आपको ये ज़रूर सजेस्ट करूंगा कि आपने ये वीडियो मिस नहीं करनी और मेक श्योर इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें, क्योंकि जितना खूबसूरत आप इसका फ्रंट एलिवेशन व्यू कर रहे हैं उतना ही बल्कि उससे बहुत ज़्यादा खूबसूरत इसका अंदर का इंटीरियर डिज़ाइन किया गया है। 6 बेडरूम की इसमें अकोमोडेशन आपको मिलती है, फुल बेसमेंट मिलती है, होम थिएटर मिलता है और उसके साथ लॉन्ड्री एरिया मिलता है, 3 किचन मिलते हैं और बहुत ही ज़बरदस्त A++ प्रीमियम क्वालिटी की आपको कंस्ट्रक्शन मिलती है और बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की इसके अंदर की जो फिक्सिंग्स हैं वो आपको मिलती हैं। अब इस घर में ऐसा क्या है वो ज़रूर आप जानना चाहेंगे और इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। मैं आपको ये ज़रूर रेकमेंड करूँगा, क्योंकि वो लोग जो अपने लिए एक ऐसी अकोमोडेशन तैयार करवाना चाह रहे हैं, मतलब लेना चाह रहे हैं, जो कि फुल बेसमेंट हो, 6 बेडरूम की अकोमोडेशन हो और वो नेक्स्ट लेवल घर हो, जो कि मार्केट का एक बहुत ही कंपेटिटिव हाउस से मतलब ये है कि एक ऐसा घर कि जिस जैसा घर ढूंढने से भी ना मिले, ये एक ऐसी चीज़ है। सो मेक श्योर, अब आप ये भी सोच रहे होंगे कि ये बंदा इतनी तारीफ़ की क्यों किया जा रहा है इस घर की, वो इसलिए क्योंकि भाई जो चीज़ तारीफ़ के काबिल है उसकी तारीफ़ करना बनता है। और अब मैं आपको लेके चलूँगा अंदर घर की तरफ, लेकिन अंदर जाने से पहले मैं इस घर की जो कुछ चीज़ें हैं, कुछ इसके हाईलाइटेड फीचर्स हैं, वो आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूँगा ताकि आपको इस घर की कुछ चीज़ों के बारे में मैं बता सकूँ। सबसे पहले आप इसके फ्रंट पर देख सकते हैं, आपको गोल्ड पाम ट्री मिल जाता है फ्रंट कोर्टयार्ड गार्डन पर और उसी के साथ आपको एम्पर्ड और ग्रेनाइट मिलती है एंट्रेंस पर और उसी के साथ मैं आपको बता दूँ कम्प्लीट इटालियन वुडन फ्लोर आपको मिलता है। पूरे घर में नोवा पेंट आपको मिलने वाला है और उसी के साथ कोरियन की वैनिटी है 2 पाउंड थिकनेस के साथ, शैंडियर बेल्जियम क्रिस्टल यूज़ किया गया है पूरे घर में। इटालियन किचन आपको पूरे घर में मिलता है, यानी पूरे घर से मुराद कि इसका जो ग्राउंड फ्लोर, बेसमेंट और फर्स्ट फ्लोर का किचन है। डबल ग्लेज्ड एलुमिनियम विंडोज़ हैं, टेम्पर्ड ग्लास है, वॉशरूम पोर्सिलोनसा के, स्मार्ट होम अप्लाइंसिस हैं, 7.7 यामाहा साउंड सिस्टम है सिनेमा में और 4K प्रोजेक्टर है, इटालियन डोर लॉक है, वॉकिंग क्लोजेट मर्सी ब्राउन ग्लास विद इटालियन गोल्ड प्रोफाइल के साथ और इसके साथ 9 फीट हाइटेड डोर। और एक और चीज़ मैं आपको बता दूं कि पूरे घर में आपको 3x9 के साइज़ की टाइल्स मिलने वाली हैं। सो व्यूवर्स, ये कुछ इसके हाईलाइटेड फीचर्स हैं जो मैंने आपके साथ मेंशन कर दिया। मैं इसका क्लोजअप आपको दिखा रहा हूँ इसके फ्रंट एलिवेशन का और अब मैं आपको लेकर चलने वाला हूँ इस घर के हाउस टूर की तरफ। तो अब हम इसका हाउस टूर शुरू करेंगे। अंदर जाने से पहले ये इसके बाहर का बहुत ही खूबसूरत लश ग्रीन एरिया मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये आप चेक कर सकते हैं कितनी खूबसूरती से इसको मेनटेन किया गया है। कार पोर्च पर कम्प्लीटली टाइल्स हैं और सेम एज इट इज़ कार रैंप पर भी टाइल्स मिलने वाली है। मेन गेट को ब्लैक कलर में पेंट किया गया है और यहाँ करीब से मैं आपको इसका फ्रंट एलिवेशन व्यू करवा रहा हूँ और इधर से अब हम घर के अंदर एंटर होते हैं। व्यूवर्स, घर में आप जैसे ही एंटर होंगे आप देखते हैं बहुत ही खूबसूरत इसका कार पोर्च का एरिया, जहाँ पे सीलिंग डिज़ाइन देख रहे हैं और ऊपर आप देख सकते हैं स्टार लाइट्स का यूज़ किया गया है और लेफ्ट साइड पे आप देख सकते हैं इसकी ये जो वॉल फीचर बहुत ज़बरदस्त, ये देखें ये फीचर वॉल प्लांटेशन भी की गई है, सिंथेटिक ग्रास है, टाइल वर्क है और सामने आप देख रहे हैं प्लांटर्स को रखा गया है। यहाँ से मैं आपको चेक करवा दूँ इसका राइट साइड पर घर का इनर लॉन एरिया और देखें कितनी खूबसूरती से इसको बनाया गया है, ये आप चेक कर सकते हैं। इधर से ये है इस घर की मेन एंट्रेंस। पूरे घर में सॉलिड एशवुड के डोर्स आपको मिलेंगे, यहाँ आप इसका सीलिंग डिज़ाइन चेक कर सकते हैं। इसके सीलिंग पे आपको 2 कलर कॉम्बिनेशन मिलता है, ब्राउन और वाइट कलर का। व्यूअर्स, अब हम इस घर में एंटर होते हैं और जब हम एंटर होंगे तो आप खुद ही देख लें, माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त इसकी डबल हाइटेड लॉबी, जहाँ पे 3 काफ़ी बड़े साइज़ के शैंडिलियर हैंग कर रहे हैं और खूबसूरत तरीन इसकी ये आप सीलिंग का डिज़ाइन देख रहे हैं और ये सामने वुडवर्क आप चेक कर सकते हैं। जैसा कि मैंने आपको स्टार्ट में डिस्क्लोज कर दिया है कि ये कंप्लीट बेसमेंट हाउस है और ये इसका बेसमेंट का एक्सेस एरिया, यानी स्टेयर्स जो हमें लेके चलती हैं इसके बेसमेंट एरिया में। व्यूवर्स, हम स्टार्ट करते हैं इसके पाउडर रूम से। आप जब घर में एंटर हुए हैं तो सबसे पहले ये एरिया देख लें, जहाँ पे आपको पार्टीशन मिलती है ग्लास की वॉल पे, जिधर से आप अपने कार पोर्च का व्यू देख सकते हैं और राइट साइड पे कोरियन की वैनिटी, ऊपर एलईडी मिरर, सामने आप देख लें वॉल फिटेड कमोड और साथ में ये चेक करें सेंटर में कितनी खूबसूरती से ये डिज़ाइन किया गया है और बहुत ही खूबसूरत यहाँ पर डेकोरेशन पीसीस को रखा गया है। वॉशरूम का लेवल अगर ऐसा है तो आप यहाँ से सोच सकते हैं कि घर का लेवल क्या है। और यहाँ से अब मैं आपको लेकर चलता हूँ इसके
प्लान की तरफ। व्यूवर्स, जब आप घर में एंटर हुए हैं तो राइट साइड पे होते ही इसका ड्राइंग का रास्ता है और ड्राइंग के साथ ही डाइनिंग की भी सेपरेट एंट्रेंस है। मैं आपको ड्राइंग में लेके चलता हूँ, जहाँ पे नीचे फ्लोरिंग जो कि मैंने आपको स्टार्ट में बता दी है और बहुत ही खूबसूरत सामने देख लें, फायर किट है, ऊपर डेकोरेशन पीसीज को रखा गया है, ये है इसका सीलिंग डिज़ाइन, ऊपर शैंडिलियर्स को हैंग किया गया है और इधर राइट साइड से आप अपने इनर लॉन एरिया का खूबसूरत व्यू देख सकते हैं। और यहाँ मैं ऊपर दिखाता चलूँ, ग्री कंपनी का रिवर्सिबल इन्वर्टर एसीज है, हैंडक्राफ्टेड पेंटिंग है और ये सामने मैं अब आपको इसको क्लोजअप से दिखाना चाहूंगा, इसकी ये बहुत ही खूबसूरती से डिजाइन की गई ये इसकी वॉल, जहां पे ऊपर आप देख सकते हैं खूबसूरत डेकोरेशन पीसीज हैं और ये अल्लाह मोहम्मद अर रहमान और रहीम के नाम से बहुत ही खूबसूरत पेंटिंग रखी गई है। व्यूवर्स, ड्राइंग रूम के साथ ही इसके डाइनिंग एरिया की स्पेस जब आप देखते हैं तो बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही यूनिक आपको पैटर्न देखने में मिलता है। ये जैसा कि आप देख रहे हैं सेंटर में शैंडिलियर है और उसी के साथ राइट और लेफ्ट साइड पे पार्टीशन की गई है और ये सामने मैं इसका डाइनिंग एरिया आपको दिखा रहा हूँ। डाइनिंग एरिया की आप इसका सीलिंग डिज़ाइन देख लें, जहाँ पे ग्लास का वर्क किया गया है और सामने देख लें वॉल पे बहुत ही खूबसूरत डिजाइनिंग की गई है और इधर राइट साइड पे अगेन वेंटिलेशन पर्पज़ के लिए आपको विंडोज़ मिल जाती हैं। यहाँ आप अपने किचन से भी डायरेक्ट एक्सेस कर सकते हैं डाइनिंग एरिया की तरफ और ये है इसका सेपरेट एंट्रेंस एरिया, जहां से आप अपने डाइनिंग रूम में एंटर होते हैं। जब आप अपने डाइनिंग रूम से बाहर आते हैं तो क्या ही खूबसूरत इसका व्यू आप एक्सपीरियंस करते हैं, ये चेक करें। और इधर से जब हम राइट होंगे तो सामने अगेन पार्टीशन है वॉल पे, जहां से हम आगे आते हैं तो हमें मिलता है इसके ग्राउंड फ्लोर का नेक्स्ट लेवल और बहुत ही खूबसूरत A++ प्रीमियम क्वालिटी की कंस्ट्रक्टेड चीज़ों के साथ बनाया गया इसका लिविंग एरिया, या जिसको आप टीवी लाउंज भी बोल सकते हैं। मैं इसकी ये जो मीडिया वॉल है ये आपको दिखाना चाहूँगा करीब से। यहाँ पे आपको LED भी मिल जाती है, जहाँ पे ये देख रहे हैं पूरे घर का सिक्योरिटी सिस्टम आप लोग व्यू कर सकते हैं। पूरे घर में सिक्योरिटी कैमराज को लगाया गया है और इलेक्ट्रिक फेंस सिस्टम को लगाया गया है, जो कि पूरे घर को सिक्योर बनाते हैं। ये बहुत ही खूबसूरत इसका शैंडिलियर है और लेफ्ट साइड पे यहाँ पे आप व्यू करते हैं तो अगेन आपको वॉल मिल जाती है, जहाँ पे बहुत ही खूबसूरत क्राफ्टिंग की गई है। और इधर से मैं आपको दिखाना चाहूँगा सामने इसका किचन की एंट्रेंस है और एंट्रेंस से पहले मैं इसकी यहाँ पे जो इसका चिलर एसी या ग्री एसी का मैं ये तवज्जो दिलाना चाहूँगा कि आपको लिविंग एरिया में चिलर एसी मिलता है। और सामने व्यूवर्स ये देखें स्लाइडिंग डोर्स हैं, जिसको आप ओपन करते हैं तो इसके किचन की स्पेस आपके सामने ओपन हो जाती है। इसकी ये जो क्रॉकरी सेटअप है बहुत ही खूबसूरत बनाया गया है, किचन की जो डिज़ाइनिंग है वो आप देख लें और ये रिंग लाइट्स जो हैं देखें कितनी यूनिक और खूबसूरत लग रही है माशाल्लाह। सेंटर में 5 स्टोव बर्नर, ऊपर किचन हुड, काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत स्टोरेज कंपार्टमेंट्स, यहाँ पे आप देख लें स्लैब्स को बनाने के लिए कोरियन का यूज़ किया गया है, सिटिंग चेयर्स को रखा गया है, हायर के 2 डोर रेफ्रिजरेटर है और ये मैट फिनिशिंग के साथ इसकी UV शीट को यूज़ किया गया है। मैं यहाँ से ये ओपन करके दिखा रहा हूँ, ये आप देख लें बहुत ही आला क्वालिटी की इसकी UV शीट्स लगाई गई हैं किचन में और सामने वॉश बेसिन, ऊपर अगेन आप चेक कर रहे हैं इसका रिवर्सिबल इन्वर्टर AC, काफ़ी ज़्यादा स्टोरेज कंपार्टमेंट्स और बहुत ही खूबसूरत वॉश बेसिन इधर आपको मिल रहा है। ये मैं यहाँ से आपको दिखा देता हूँ इसका किचन का सेटअप, ऊपर भी आप देख लें कि ये जो इसका स्टोरेज कंपार्टमेंट है ये कितना खूबसूरत बनाया गया है। सीलिंग डिज़ाइन में भी किसी किस्म की कोई कसर छोड़ी नहीं गई है। यहाँ पे आगे आते हैं तो अगेन कैबिनेट आपको मिल जाती है, या जिसको आप स्टोरेज कंपार्टमेंट बोलना चाहें तो बोल सकते हैं, जो कि विजिबल है। सेंटर में ग्लास को लगाया गया है और ये है व्यूवर्स आपका सर्विस किचन, जिसमें 3 स्टोव बर्नर, ऊपर किचन हुड और वही UV शीट का यूज़ किया गया है जो कि मेन किचन में आपको मिलती है। सामने वाले डोर से आप अपने गैलरी एरिया से एंटर करते हैं घर में और व्यूवर्स ये है इस घर का ग्राउंड फ्लोर का किचन। और अब मैं आपको लेके चलता हूँ इसके बेडरूम्स की तरफ। व्यूवर्स यहाँ पे मैं आपको दिखा दूँ कि राइट और लेफ्ट साइड पे सामने इसके 2 बेडरूम्स हैं, सामने वाली वॉल पे बहुत ही खूबसूरत पेंटिंग है और साथ में ये इसका सीलिंग डिज़ाइन भी, सीलिंग तो नहीं कहेंगे, इसके जो रूफ पे ऊपर डिजाइनिंग की गई है बहुत ही खूबसूरत है। आगे बढ़ते हैं तो हमें मिल जाती हैं स्टार लाइट्स। यहाँ से हम लेफ्ट होते हैं तो इसका मास्टर बेडरूम है, जो कि स्लाइटली डार्क स्टोन के साथ रखा गया, बहुत ही खूबसूरत नीचे इसकी आप चेक कर सकते हैं, बहुत लैविश किस्म का इसका फ्लोरिंग किया गया है। और लेफ्ट साइड पे ये है इसकी मीडिया वॉल। व्यूवर्स मैं एक्चुअली ये इतना ज़्यादा एम्फेसाइज इसलिए कर रहा हूँ कि ये आप यहाँ से आइडिया लगा सकेंगे, आई डोंट नो कि मैं आपको दिखा पा रहा हूँ या नहीं, ये ग्लोसी वॉलपेपर है और बहुत ही ज़बरदस्त किस्म के। ऑनेस्टली मैंने ये चीज़ अभी किसी भी घर में नहीं देखी है। वॉलपेपर्स मैंने बहुत किस्म के देखे हैं, इटालियन वॉलपेपर्स हो गए और इसके अलावा जितने भी इंपोर्टेड वॉलपेपर्स हैं काफ़ी देख चुका हूँ, लेकिन ये वाकई ही बहुत यूनिक चीज़ है। और ये चेक करें, आई डोंट नो कि मैं आपको दिखा पा रहा हूँ या नहीं, लेकिन कुछ कुछ आपको आइडिया हो रहा होगा, बहुत ही नेक्स्ट लेवल चीज़ है। वेंटिलेशन विंडोज़ आपको मिल रही हैं, यहाँ पर सामने है आपकी बेड वॉल और खूबसूरत सीलिंग डिज़ाइन भी मैं आपको यहाँ से दिखा रहा हूँ। और यहाँ से जब आप राइट होते हैं तो सामने आप वॉल पे देखते हैं पेंटिंग, उसी के ऊपर इन्वर्टर AC और बहुत खूबसूरत
बहुत खूबसूरत, ऑनेस्टली बहुत खूबसूरत इसका वॉशरूम, और एक डिफरेंट सा इसमें पैटर्न यूज़ किया गया है। आपने मेरे नहीं ख्याल में इस तरह का सीन कहीं पे देखा होगा, जिसमें एंटर होते ही आपको 3 स्टेप्स मिलते हैं, जिसमें सबसे पहले ऊपर होके अपर सरफेस पे आपको जकूजी मिलती है, और ऊपर देखेंगे कितनी खूबसूरत ये हैंगिंग लाइट यहाँ पर लगाई गई है, और ऊपर रूफ पे ग्लास को लगाया गया है। यानी आपको घर के एक एक हिस्से में प्रीमियम फील दिया गया है, और जब आप इस घर में आएंगे तो आपको पता लगेगा कि वाकई ही किसी चीज़ में आए हैं आप, या किसी घर में एंटर किए हैं आप। और ये है इसकी वैनिटी, ये चेक करें कितनी नीट फिनिशिंग यहाँ पर रखी गई है, बहुत ग्लोसी माशाल्लाह ये चीज़ लग रही है। ऊपर एलईडी मिरर है, और सामने क्यूबिकल शावर रूम है, मेरे लेफ्ट साइड पे ये है इसकी वार्डरोब की कम्प्लीटली स्पेस। आगे आते हैं तो ये वॉल फिटेड इसका कमोड, वेंटिलेशन पर्पज के लिए यहाँ विंडोज दे दी गई हैं, और साथ में मैं आपको दिखाता चलता हूँ ये है इसका एग्जास्ट फैन। व्यूवर्स ये है इसका मास्टर बेडरूम, और मास्टर बेडरूम से हम बाहर आए हैं, तो अब आपको लग रहा होगा कि ये कितनी खूबसूरत इसकी मीडिया वॉल है, जहाँ पे खूबसूरत डेकोरेशन पीसीज हैं, और वॉलपेपर तो मैं बता ही चुका हूँ। बाहर आते हैं तो बिल्कुल सामने सेकंड बेडरूम है, अगेन विद ब्यूटीफुल सीलिंग डिज़ाइन, बहुत ही खूबसूरत, ये मैं यहाँ से क्लियर आपको करके दिखा रहा हूँ। मेरे राइट साइड पे इसकी बेड वॉल है, सामने वेंटिलेशन विंडोज़ हैं, और ये है इसकी मीडिया वॉल। मीडिया वॉल के राइट साइड पे जब हम होते हैं तो अटैच वॉशरूम, जिसमें बिल्कुल सामने खूबसूरत वैनिटी और उसके ऊपर एलईडी मिरर, साथ में क्यूबिकल शावर रूम, नीचे फ्लोरिंग की जो टाइल्स हैं उसका भी टेक्सचर आप देख लें, और वॉल फिटेड कमोड आपको इधर दिया गया है। व्यूवर्स मैं इधर से यहाँ पर आपको दिखा दूँ, ये है इसकी वार्डरोब की स्पेस, ये आप चेक कर लें, मैं यहाँ से आपको चेक करवा रहा हूँ, और साथ में आपको यहाँ स्टोरेज के लिए भी जगह दे दी गई है, ये मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखें, ये चेक करें, बहुत ही कमाल की स्पेस ये ओवरऑल बनाई गई है। व्यूवर्स ये है इस घर का ग्राउंड फ्लोर का हाउस टूर, और अब मैं आपको इसके फर्दर प्लान की तरफ लेके चलता हूँ। मेरी कोशिश होगी कि मैं वीडियो को ज़्यादा लंबा ना करूँ, लेकिन अगर ये वीडियो लंबी थोड़ी सी हो भी जाती है तो उस चीज़ को आपने बर्दाश्त करना है, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मैं इस घर के साथ ज्यादती करूँ और जल्दबाजी में आपको इसके जो पॉइंट्स हैं, इसके हाईलाइटेड फीचर्स हैं और इसकी जो खूबसूरती है वो ना बता सकूँ। तो व्यूवर्स मैं आपको सबसे पहले इसके बेसमेंट एरिया में ले चलता हूँ, जहाँ पे आप देख रहे हैं स्टेयर्स पे ग्रेनाइट यूज़ किया गया है, सामने वाली वॉल पे ग्लास है, बैक साइड पे आप चेक कर रहे हैं रॉप लाइट को लगाया गया है, और जब आप अपने बेसमेंट एरिया में लैंड कर रहे होते हैं, लैंड से मुराद उतर रहे होते हैं, आप कई लोग कहेंगे भाई जहाज से थोड़ी उतर रहे हैं, नहीं भाई जान, जब आप नीचे आते हैं तो ये स्पेस चेक करें, बिल्कुल सामने आपको मिल जाता है बार एरिया बोलना चाहें, इसको किचन बोलना चाहें, जो आपको सूट करता है आप बोलें, लेकिन पर्पज़ इसका वही है आपको फैसिलिटेट करना। ये सामने आप चेक कर सकते हैं, बहुत ही कमाल की इसकी स्पेस, और ये देखें, ये चेक करें इसकी डिवीजन जो बेसमेंट की है वो कितनी खूबसूरत की गई है। सामने आपको सिटिंग स्पेस दी गई है, और वो ऐसी जगह है जहाँ पे आपको ट्रेवडिन स्टोन और सिंथेटिक ग्रास का यूज़ मिलता है, और साथ में इधर से मैं आपको इसकी जो कमाल का जो सीन है ना, ये चेक करें, ट्रिपल हाइटेड लॉबी का व्यू आपको यहाँ से मिलता है। व्यूवर्स अब हम इसके बेसमेंट के एरिया को डिस्कस करेंगे, ये यहाँ पे राइट साइड पे इसका है होम थिएटर, और होम थिएटर की लाइट्स बंद कर दी गई हैं, मैं इसको ऑन कर दूं, एक सेकंड में, पूरे घर में टच पैनल है तो लाइट्स मैं ऑन करवा देता हूँ। ये होम थिएटर से जब आप बाहर आए हैं तो इधर बहुत ही ज़बरदस्त आपको व्यू मिलता है, और ये मैं राइट साइड पे पहले इसका ग्राउंड फ्लोर का जो इसका लिविंग एरिया है वो दिखा दूँ, बहुत ही खूबसूरत राइट साइड पे इसकी वॉल की डिज़ाइनिंग की गई है, खूबसूरत डेकोरेशन पीसेस तो आपको जगह जगह पे देखने को मिलते हैं। और ये चेक करें, ये जो इसका संकन एरिया है, ये सामने देखें कितना खूबसूरत यहाँ पर डिज़ाइन किया गया है, और साथ में अगेन यहाँ पे वॉलपेपर की फिक्सिंग है, और ऊपर ग्री कंपनी का रिवर्सिबल इन्वर्टर एसी। मैं इधर से कोशिश करूँगा कि आपको इसका कंप्लीट व्यू दिखा सकूँ, ये देखें, बहुत खूबसूरत माशाल्लाह घर है, बहुत खूबसूरत द्वागो हैं हम, और मैं भी खसूसी द्वागो होता हूँ कि जो भी घर, जो भी बंदा इस घर को परचेज़ करता है, अल्लाह ताला उन्हें खुशियों से रहना नसीब करे, और उनके सदके हर उस बंदे को अपना घर अता फरमाए जो अपना घर बनाना चाहते हैं। घर छोटा या बड़ा नहीं होता, घर अपना होता है, घर कोई भी हो और जितने भी लोग हैं, अल्लाह ताला उन सब लोगों के लिए आसानियाँ पैदा करे ताकि वो लोग अपना घर बना सकें जो इस वक्त अपना घर बनाना चाह रहे हैं।
आमीन। और व्यूवर्स, ये वो जगह है जो मैं आपको दिखाना चाह रहा था, ये चेक करें, जहाँ पे बहुत खूबसूरत सिटिंग स्पेस, आप यहाँ पे बैठ के बहुत ही क्वालिटी टाइम स्पेंड कर सकते हैं। संकन एरिया भी दिया गया है जहाँ से डायरेक्ट वेंटिलेशन होती है, वो स्पेस मैं आपको दिखाऊंगा। और ये राइट साइड पे है इसका स्टोर रूम, ये लॉक्ड है, यहाँ पे सामान वगैरह कुछ पड़ा हुआ है अभी मैं नहीं दिखा सकता। और ये है इसके बेसमेंट का सुपर लग्जीरियस और स्पेशियस बेडरूम, जिसमें सामने आप चेक कर रहे हैं इस वक्त इसकी बेड वॉल, और इसकी रूफ पे भी देखें नोवा पेंट किया गया है, बहुत ही खूबसूरत शैंडिलियर लगाया गया है। ये कोई ओवर एग्जैजरेटेड शैंडिलियर नहीं है जो कि आपने स्पेनिश घरों में देखा होगा, कई लोग उसको लाइक नहीं करते, ये एक बड़ा मिनिमलिस्टिक टाइप का शैंडिलियर है जो कि बहुत खूबसूरत लग रहा है इस बेडरूम के साथ। और इधर से मैं आपको दिखाता चलूँ, ये है वो जगह जहाँ से आप अपने ओपन ये जो स्पेस है इसकी एक्सेस ले सकते हैं। इधर से ये मैं आपको दिखा दूँ, ये देखें ये संकन एरिया, ये आप देखें, ये देखें ये संकन एरिया, डायरेक्ट यहाँ से जो ओपन एरिया है वो एंटर होती है और वेंटिलेशन प्रोवाइड करती है। व्यूवर्स, ये इस वक्त सामने मैं आपको दिखा रहा हूँ इसकी मीडिया वॉल, और यहाँ से इसका बहुत खूबसूरत मैं अटैच वॉशरूम दिखाता हूँ, जिसमें राइट साइड पे आपको वार्डरोब की स्पेस मिल रही है। और इसका सीलिंग डिज़ाइन चेक करें, और इसका जो वॉशरूम का एरिया है बहुत खूबसूरत, सामने डबल वैनिटी है, ऊपर डबल मिरर और जकूजी बहुत खूबसूरत, लेफ्ट साइड पे क्यूबिकल शावर रूम, ऊपर बहुत ही खूबसूरत हैंगिंग लाइट को लगाया गया है, सीलिंग में आप देख सकते हैं ग्लास को लगाया गया है, सामने बहुत खूबसूरत प्लांटर को रखा गया है, और ये टू साइडेड मिरर है, यानी आपको इस साइड से भी व्यू देता है और सामने वाली साइड से भी व्यू देता है। सामने वॉल फिटेड कमोड को लगाया गया है, और यहाँ से मैं आपको दिखा रहा हूँ इसका कंप्लीट व्यू। ये जो सेंटर वाला एरिया है इसका शावर कैबिनेट का, इधर ग्लास की पार्टीशन की गई है, बहुत ही खूबसूरत स्पेस जहाँ से आप बाहर का व्यू भी देख सकते हैं। और ये वार्डरोब की स्पेस है, मैं यहाँ से आपको दिखा रहा हूँ, बहुत ही ज़बरदस्त और स्पेशियस इसकी वार्डरोब की स्पेस है। व्यूवर्स, ये है इसके बेसमेंट का एरिया, और मैं अब आपको पहले इसका जो होम थिएटर है वो लाजमी दिखाता हूँ, मुझे ज़रा चेक करने दे, मैं इसका लाइट्स कुछ ऑन कर दूँ, लाइट्स मैंने ऑन कर दी हैं। और जब आप इसके होम थिएटर में एंटर होते हैं तो देखें कितना खूबसूरत इसका ये स्पेस है। यामाहा का इस होम थिएटर में साउंड सिस्टम लगाया गया है, ये चीज़ मैंने स्टार्ट में भी आपको बताई है, और बहुत ही प्रीमियम किस्म का फैब्रिक लगाया गया है। इधर आप सामने चेक कर सकते हैं, वॉल डिज़ाइनिंग है बहुत खूबसूरत, और ये देखें यामाहा का मैं आपको लोगो भी दिखा देता हूँ, ये जेन्युइन यामाहा का लोगो है, ये कोई कॉपी शॉपी नहीं है। कई लोग मेरे से सवाल करते हैं, भाईजान जो चीज़ मैं बताता हूँ वो लोकल नहीं होती, वो सारी की सारी ओरिजिनल चीज़ें होती हैं। और ये सामने है इसकी प्रोजेक्टर स्क्रीन के लिए जगह, नीचे बहुत ही खूबसूरत रग या कारपेट भी आप इसको बोल सकते हैं। सो व्यूवर्स, ये था इस घर के बेसमेंट का विजिट, मैं आपको इसके ग्राउंड और बेसमेंट एरिया का विजिट करवा चुका हूं। अब मैं आपको लेकर चलता हूं इसके फर्स्ट फ्लोर के प्लान की तरफ, बहुत खूबसूरत बहुत ज़बरदस्त चीज़ है। और जैसे जैसे आपने इस वीडियो को देखा होगा तो आपको आइडिया हो ही गया होगा कि इस घर का लेवल क्या है। इधर से हम आ गए हैं ऊपर, और इधर से अब हम चलते हैं इसके फर्स्ट फ्लोर पे। ये चेक करें, इधर से इसके कमाल का व्यू दिखाता हूं आपको, ये देखें व्यूवर्स, जैसे हम स्टेयर से ऊपर आ रहे हैं आगे जाते हैं तो हमारे ओपन जो टेरेस की स्पेस है वो हम देख सकते हैं, या विंडो दी गई है इसको आप ओपन भी कर सकते हैं। ये देखें ये इसका हैंडल है, ये भी मैं आगे जाके आपको दिखाऊंगा। पहले इसके फर्स्ट फ्लोर का स्पेशियस बल्कि सुपर स्पेशियस बेडरूम देख लें, फ्लोरिंग जिसमें वुडन की है, लेफ्ट साइड पे बहुत खूबसूरत बेड वॉल डार्क स्टोन के साथ है, और ये बहुत खूबसूरत इसकी हैंगिंग लाइट्स। इधर सामने है इस घर का फ्रंट एलिवेशन, और सामने मीडिया वॉल, मीडिया वॉल के लेफ्ट साइड से आप इसके फ्रंट टेरेस में एंटर हो सकते हैं। और ये है व्यूवर्स इसका सुपर लग्जीरियस अटैच्ड वॉशरूम, ये देखें यहाँ पे दो वैनिटी को और दो डिफरेंट थीम के साथ बनाया गया है, एक कोरियन की है और आगे दूसरे मटेरियल के साथ, और ऊपर एलईडी मिरर। अब आगे आते हैं राइट साइड पे वार्डरोब की स्पेस, और ये चीज़ देखें, ये एरिया देखें कि आपको यहाँ पे डबल शावर एरिया मिलता है, ये देखें दो दो रेन शावर यहाँ पे लगाए गए हैं ऊपर, ये देखें ये जगह है, और उसी के साथ जकूजी भी आपको यहाँ पे मिल रही है। और साथ में ये चीज़ मैं आपको दिखा दूँ, वॉल फिटेड कमोड। व्यूवर्स, ये था इसका फर्स्ट बेडरूम, और अब मैं आपको लेके चलता हूँ इसके फर्दर प्लान की तरफ।
जब आप यहाँ से बाहर आते हैं तो ये चेक करें, बहुत खूबसूरत तीन बड़े साइज़ के शैंडिलियर्स और ये इसकी स्पेस। इधर से राइट होंगे तो आपके फर्स्ट फ्लोर का टीवी लाउंज आ जाता है। टीवी लाउंज में सामने इस वक्त आप इसकी जो मीडिया वॉल है वो देख रहे हैं, और ये वॉल पे हैंडक्राफ्टेड पेंटिंग लगाई गई है, शैंडिलियर को लगाया गया है, बहुत खूबसूरत सीलिंग लाइट है, नोवा पेंट किया गया है, प्लांटर्स को लगाया गया है, और इसके ऑपोजिट साइड पे आपको प्रॉपर लॉन्ड्री की स्पेस दे दी गई है, लॉन्ड्री एरिया है, ये ओपन हो जाती है स्पेस। ये सामने आप देख सकते हैं डोर हैंडल भी आपको नज़र आ रहे हैं, और साथ में बेसिकली वहाँ पे भी पानी है, मैं जा नहीं रहा क्योंकि जब मैं बाहर आऊँगा तो सारे पाँव गंदे हो जाएंगे, जिससे घर गंदा हो सकता है, लेकिन वो लॉन्ड्री स्पेस आपको प्रॉपर दी गई है। और ये है इसके ओपन टेरेस की स्पेस, मैं आपको इसका ओपन टेरेस दिखा दूँ कि ये इसकी विंडोज़ हैं जिसको आप स्लाइड करते हैं ना, तो आप चेक करें कि आपको वॉल्स पर ट्रेवर्टिन स्टोन और उसी के साथ सिंथेटिक ग्रास मिलता है, सामने प्लांटेशन मिलती है, वाटर टैब मिल जाता है, और बहुत ही खूबसूरत सिटिंग स्पेस मिलती है जहाँ पे आप अपनी फैमिली के साथ बैठ के क्वालिटी टाइम स्पेंड कर सकते हैं। और ये जो इसको ओपन टेरेस की स्पेस है, ये चेक करें कितनी खूबसूरती के साथ बनाई गई है, और ये है जी इसका बहुत ही ज़बरदस्त सिटिंग एरिया। व्यूवर्स, ये वो विंडो है जो कि मैंने आपको जब दिखाया था जब मैं इसके फर्स्ट फ्लोर पे आया हूँ, ये विंडो स्लाइड होकर साइड पे हो जाती है, आप यहाँ से भी अपने ओपन टेरेस की तरफ आ सकते हैं, ये आप चेक कर लें, ये है विंडो का डोर हैंडल। सो व्यूवर्स, ये था इसका ओपन टेरेस, और अब हम बाहर आए हैं तो इस ये जो टीवी लाउंज है इसकी बैक साइड पे, इसकी बैक साइड पे आपको मिलता है एक मिनी बार एरिया, यानी कि जो कि आपकी रिक्वायरमेंट को पूरा करता है, अगर आपको कोई चीज़ यूज़ करनी है, गर्म करना है किसी भी चीज़ को, साथ में आपको संकेन एरिया भी दे दिया गया, प्रॉपर ये किचन की स्पेस बन जाती है। आप यहाँ पे इलेक्ट्रिक अपना, जिसको आसान जबान में मैं कहूँ तो चूल्हा भी रख सकते हैं जो कि इलेक्ट्रिक है, बहुत खूबसूरत, ये आप चेक कर सकते हैं, साथ में आपको मिलेंगे डेकोरेशन पीसेस। और ये है इसका सेकंड बेडरूम फर्स्ट फ्लोर का, जिसमें आप देख लें बहुत ही यूनिक और डिफरेंट पैटर्न के साथ इसकी बेड वॉल को बनाया गया है। लेफ्ट साइड पे वेंटिलेशन विंडोज़ हैं, और इधर से मैं राइट साइड पे आपको होके दिखाऊंगा, तो ये है इसका अटैच्ड वॉशरूम, जिसमें वेरी लेफ्ट पे वॉल फिटेड कमोड, और ये है जी इसकी खूबसूरत खूबसूरत वैनिटी, ऊपर एलईडी मिरर, और सामने है इसका क्यूबिकल शावर रूम, सेंटर में आप ये देख सकते हैं ये सामने ग्लास को लगाया गया है जिसमें आप मुझे भी इस वक्त व्यू कर रहे हैं, डेकोरेशन पीसेस रखे हुए हैं यहाँ पे, और ये है इसका क्यूबिकल शावर रूम, मैं यहाँ से भी आपको इसका व्यू दिखा रहा हूँ। इसका ये जो बॉर्डर एरिया है ये आप चेक करें, कोरियन को लगाया गया है, बाकी टाइल वर्क है कम्प्लीटली। लेफ्ट साइड पे हैं जी इसकी वार्डरोब की स्पेस, और व्यूवर्स ये है इसका सेकंड बेडरूम, इसमें भी सेम उसी वॉलपेपर को लगाया गया है जो कि मैंने वीडियो के स्टार्ट में आपको इस घर के ग्राउंड फ्लोर के जो मास्टर बेडरूम है उसमें दिखाया था। ये ग्लोसी वॉलपेपर है, बहुत ही लेविश किस्म का वॉलपेपर है ये, और जब मैं यहाँ से बाहर आता हूँ तो इधर से आप चेक करें जी, ये है इसका स्टोर रूम के साथ ही इसका घर का ये सिक्स बेडरूम हो गया, और फर्स्ट फ्लोर का ये थर्ड बेडरूम हो जाता है, जिसमें बहुत ही खूबसूरत बहुत ही मिनिमलिस्टिक टाइप की इसकी आप देख सकते हैं बेड वॉल, और जिसके वेरी राइट पे है इसका अटैच्ड वॉशरूम, बहुत खूबसूरत सीलिंग डिज़ाइन के साथ, सामने क्यूबिकल शावर रूम, सामने वाली जो वॉल है उधर टाइल वर्क चेक करें आप ज़रा, ये देखें मैंने आपको जूम इन करके दिखाया काफ़ी ज़्यादा, ये देखें कितना लेविश किस्म का काम किया गया है। और साथ में इस घर में जब आप एंटर होते हैं तो ये लेफ्ट साइड पे बहुत खूबसूरत वैनिटी जिसके ऊपर आप देख सकते हैं एलईडी मिरर और बहुत ही लग्जीरियस लाइट ग्लोब्स लगे हुए हैं, ये मैं करीब से आपको दिखाता हूँ, ये चेक करें कितना लेविश किस्म का काम किया हुआ है। मोर ओवर जब आप इस वॉशरूम में एंटर हुए हैं तो राइट साइड पर आपको वार्डरोब की स्पेस मिल रही है, ये देखें मैं यहाँ से आपको ये ओपन करके दिखा देता हूँ, ये आप चेक कर सकते हैं, इधर वार्डरोब में मर्करी ग्लासेस को लगाया गया है। और व्यूवर्स, ये आप चेक कर लें इसका सीलिंग का डिज़ाइन। इसी के साथ व्यूवर्स इस घर का जो कंप्लीट विजिट है वो होता है, यानी इस घर का हाउस टूर कंप्लीट होता है। मोर ओवर इस घर के बेसमेंट में दो आपको सर्वेंट क्वार्टर के अकोमोडेशन साथ में अटैच वॉशरूम और किचन एरिया भी मिल जाता है। पूरे घर का जो प्लान है, जो इस घर का हाउस टूर है, वो आप लोग देख चुके हैं, और यहाँ से मैं आपको इसकी ये जो लॉबी का व्यू है ये चेक करें कितना लेविश किस्म का और कितना खूबसूरत व्यू है, माशाल्लाह आप यहाँ से एक्सपीरियंस करते हैं। सो व्यूअर्स, इसी के साथ हमारे इस खूबसूरत तरीन घर का हाउस टूर कम्प्लीट होता है। ये घर DHA फेज 8 में लोकेटेड है, और बहुत बहुत प्राइम लोकेशन पर लोकेटेड है। पूरे घर की जो क्वालिटी है वो मेरे नहीं ख्याल में और मुझे कुछ बताने की ज़रूरत है। इसी के साथ इस घर की जो डिमांडिंग प्राइस है वो रखी गई है 18 करोड़ 75 लाख रुपये, ये डिमांडिंग प्राइस है, प्राइस इसकी नेगोशिएबल है। इसके अलावा फर्दर इन्फॉर्मेशन के लिए और इस घर के विजिट के लिए आप मेरे दिए गए नंबर पर रब्ता कर सकते हैं, मेरा नंबर है 03220405751। इसके अलावा अब आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में,
मेक श्योर प्रॉपर्टी लोकेटर को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि इन फ्यूचर भी आपको मजीद खूबसूरत घरों की और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मिलती रहें। बहुत शुक्रिया।